हरियाणा के जिला नूपुनाना में SDM वैशाली शर्मा ने किया सिरौली गांव के स्कूल का किया निरीक्षण। स्कूल में पाई गई बहुत खामियां, स्टॉक रजिस्टर व हाजिरी बोर्ड व बिल रजिस्टर में पाई गई खामियां। खुद SDM वैशाली शर्मा ने बच्चों की क्लास में बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया और सवाल किए। लाखों रुपए की लागत से बनने वाली स्कूल के अंदर सड़क में पाई गई कमी, गलत जगह किया जा रहा है सीमेंट का उपयोग, पढ़ाई के नाम पर किया जा रहा है बच्चों से खिलवाड़, निरीक्षण के दौरान कम पाए गए अध्यापक। बीओ सद्दीक ने बताया कि उन्होंने सभी अधिकारियों तक पत्र भेज रखा है और मेवात के स्कूल में 1200 अध्यापकों की कमी शिकायत पत्र सरकार को भेजा। SDM ने स्कूल की सफेदी व पेंट करने के दिए आदेश। जिला नूपुनाना के गांव सिरौली के मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में SDM वैशाली शर्मा व बीओ सद्दीक अहमद ने स्कूल में अचूक निरीक्षण किया। स्कूल को तो मॉडल बना दिया मगर पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां लाखों की लागत से कंप्यूटर क्लास के लिए कंप्यूटर लगाए गए पर पढ़ाई के नाम पर बच्चे कमजोर, मौके पर बच्चों से कंप्यूटर के बारे में पता किया तो बच्चे माउस हिलाते ही नजर आए, खेलते हैं गेम। क्या नाम है जी आपका? इसराइल। कौन सा गांव है ये? सिरौली। सिरौली, यहाँ जो विद्यालय है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी, इसके बारे में क्या कहना है, कैसी पढ़ाई होती है, किस बच्चे आते हैं नहीं आते, टीचर लोग समय पे आते नहीं आते? टीचर खूब बढ़िया रहे जी, खूब बढ़िया। अच्छा, टाइम पे ड्यूटी दे रहे जी, और हमारा प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा है। मतलब स्कूल का माहौल अच्छा है? अच्छा है, बढ़िया। आप गांव वाले बिल्कुल संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट। अभी SDM साहब ने दौरा करा, इस बारे में क्या कहना है आपका? SDM साहब आई हुई है दौरे पे जी, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? हम क्या कह रहे हैं जी, हम टीचर का माध्यम। अच्छा, टीचर पूरी और पूरे ना। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सुरेश। कौन सा गांव है जी? सिरौली से। ये स्कूल है, इसमें बच्चे पूरे आते हैं और प्रिंसिपल टीचर भी पूरे आते हैं? नहीं, पहले तो इसमें कम थे, अब तो पूरे आ रहे हैं फिलहाल। पढ़ाई बढ़िया हो रही है? पढ़ाई भी ठीक। आप कोई शिकायत, कोई SDM साहब आई हुई है चेकिंग पर हैं, तो कोई समस्या नहीं है फिलहाल तो? बाकी ये है कि SDM का दौरा लगता रहे महीने में 20 दिन में 15 दिन में, तो ये अच्छी थोड़ी सी देखभाल ठीक ठाक हो जाएगी, तो व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। हाँ, आगे के बारे में अधिकार क्षेत्र में सब विद्यालय आते हैं जी, और कुछ खुद SDM साहब ने मौके मुआयना किया है, आपको भी कुछ कमियां पाई हैं? जो कमियां आप तो यहाँ रहते हो, आपको तो बिल्कुल गौर रखना चाहिए इन चीजों का। मैडम ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इनको तुरंत प्रभाव से इनको चेक किया जाएगा और इनको पूरा किया जाएगा, सारी कमियों को पूरा किया जाएगा और एक एक रजिस्टर को चेक करके मैडम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। आगे से मैं मिड डे मील का आपने सवाल किया, उसको भी पूरी तरह से जांचा जाएगा। ज्यादातर टीचर आज जो है निष्ठा ट्रेनिंग में थे, कुछ BLO की ड्यूटीज में, उनकी वजह से जो है कई स्टॉक उनके पास थे तो दिखाई नहीं जा सके। ठीक है, धन्यवाद। विद्यालय में आपने निरीक्षण किया है, इसका क्या कहना है आपका? आज गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल का सरौली विलेज में इंस्पेक्शन किया गया, वहाँ पर पता चला है कि मिड डे मील नहीं बनता है क्योंकि वहाँ पर स्टॉक नहीं है। अभी ये मालूम कराया जाएगा कि स्टॉक कब से नहीं है और क्यों नहीं है। अभी हमने कुछ पता लगा, कहीं से स्टॉक अवेलेबल है? रूमों में रखा हुआ, रूमों में बंद है वो अभी, शायद आपको इससे अवगत नहीं करा गया, इसका हम क्या कहना आपका? मुझे नहीं पता, रखा हुआ है तो कहाँ रखा हुआ है, अभी निकलवाया जाएगा, उसके बाद में रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा। ये मैंने PU साहब से कहा है कि वो पूरा स्टॉक, कितना स्टॉक भेजा गया है, कितने बच्चे हैं, इनके हिसाब से भेजा गया था, वो कैसे खत्म हो गया स्टॉक बीच में, तो इसका स्पष्टीकरण भी उसने। कुछ कंप्यूटर क्लासों को लेके भी आपने अभी निरीक्षण किया था, उसमें काफी कमियां पाई गई, जबकि सरकार कितना पैसा खर्च करके कंप्यूटर क्लास तैयार करी है, उसका रिजल्ट जीरो आ रहा है। 11th, 12th और 9th, 10th में साइंस के टीचर है, उनके काम से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जो कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर की पढ़ाई है, वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। उसके लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है, और जो स्टॉक रजिस्टर है, जो मेंटेनेंस होता है स्टॉक रजिस्टर, फंड रजिस्टर, एक्सपेंडिचर, ये सब बिल्कुल भी ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है, तो उसके लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं तुरंत ही स्टॉक रजिस्टर और ये सारी चीज़ें मेंटेन करने का। स्पोर्ट्स किट अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन मुझे दिखाई नहीं गई है, तो ये सब चीज़ें हैं, उनकी दोबारा से जांच की जाएगी यहाँ पर आके। मतलब ये आप मानते हो कि मेवात की शिक्षा बिल्कुल जीरो है इस टाइम, ये आप मानते हो ना? हाँ, कन्फर्म है तो इसमें